गुड मॉर्निंग पाली, आप देख रहे हैं लाइव पाली न्यूज, आपको रखे सबसे आगे। कंटालिया न्यूज सर्विस क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से कंटालिया बांध में पानी की आवक तेज हो गई, जिससे ग्रामीणों व क्षेत्रवासियों में हर्ष है। देश के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कैलाश जी चौधरी आज भाजपा जिला अध्यक्ष श्री मनसाराम जी परमार के आवास आने पर अभिनंदन कर स्वागत किया गया। आज सहायक अभियंता कार्यालय राणावास मुख्यालय पर विगत माह पूर्व विद्युत करंट लगने से दवरी दनी के श्री कुंदन सिंह रावत राजपूत के तीनों बच्चे वर्षा, विकास व वीरेंद्र की मौत हुई थी। आज मुख्यमंत्री सहायता कोष से आश्रित परिवार को 5-5 लाख के रूप में 15 लाख का चेक दिया गया। जय भीम स्टेशनरी का वितरण तथागत लाइब्रेरी जुझावर में। तथागत लाइब्रेरी जुझावर में जय भीम शिक्षण सामग्री का वितरण पाली की अंबेडकर टीम के साथ तथागत के सदस्यों के सहयोग कार्यवाह को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल 9 अति जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। विद्यालय का औचक निरीक्षण कर जांची कोविड-19 गाइडलाइन की अनुपालन। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उकम सिंह पवार ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाली का औचक निरीक्षण कर विद्यालय विभाग द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन की अनुपालन संबंधी जानकारी ली। बाली मुस्लिम महासभा राजसमंद की जिला अध्यक्ष मोहतरमा रेहाना खान पठान ने मदारिस सैयद बाबा के दरबार में चादर पेश की। 20 सितम्बर को बाली हजरत सैयद मदारिस सैयद बाबा आस्थाने औलिया पर बड़ी शान और शौकत के साथ पेश कर अपने देश हिंद और समाज की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। आचार्य भिक्षु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कंटालिया में स्काउट का ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण होगा। मालवा जंक्शन ब्लॉक के सभी स्काउट गाइड व स्काउट मास्टर प्रशिक्षण शिविर कंटालिया में होंगे। पाली में कोरोना के कारण बंद स्कूलों में सोमवार को घंटी बजी तो बच्चों, अभिभावकों व शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब तक घरों में ऑनलाइन अध्ययन कर रहे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चे स्कूल खुलने के बाद से ही विद्यालय जाने के आतुर हो रहे थे। इसी आतुरता के कारण कोरोना के बाद स्कूल जाने के लिए सुबह बच्चे अपने आप ही जल्दी उठे और स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गए। अभिभावकों की दिनचर्या भी बच्चों के स्कूल खुलने से बदल गई। जो लोग अब तक सुबह 7 बजे तक बिस्तर छोड़ रहे थे, उन्होंने अब 5-6 बजे बिस्तर छोड़ा। बच्चों को तैयार करने के साथ उनका लंच भी तैयार किया।